जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। ऐसे में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। उनके किस्मत का फैसला आज मतदान पेटी में कैद हो जाएगा। इस चरण में जम्मू कश्मीर की 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यह चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न सिर्फ उन इलाकों में वोटिंग होगी जो अलगाववाद के केंद्र माने जाते हैं, बल्कि इसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के भाग्य का फैसला भी होगा। गांदरबल हॉट सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल विधानसभा क्षेत्र को फिर से हासिल करने के लिए इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है। इस इलाके में पर्चा भरते समय उन्होंने अपनी टोपी उतार कर लोगों से उन्हें जिताने की गुजारिश की थी। वैसे गांदरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस की पारिवारिक सीट मानी जाती है। इस सीट का प्रतिनिधित्व अतीत में उमर के दादा शेख अब्दुल्ला, पिता फारूक अब्दुल्ला और खुद उमर ने भी किया है। गांदरबल सीट पर उमर के खिलाफ आतंकवाद के मामलों में आरोपी सर्जन बरकती खड़े हैं। वे जेल में बंद रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। उमर का कहना है कि यह सब बीजेपी के इशारों पर किया जा रहा है। इसके अलावा इस्फाक जब्बार इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़गाम वह दूसरी सीट है जिस पर उमर अब्दुल्ला अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सीटों पर बुधवार यानी आज वोट डाले जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां खासकर PDP उमर को इस बात को लेकर चुनावी रैलियों में निशाना बनाती रही है कि डर के कारण वे दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर सभी पॉलिटिकल पंडितों की नज़र श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों पर है। दरअसल 26 में से 15 असेंबली सीटें कश्मीर में आती हैं और इसमें से ज़्यादातर वो इलाके हैं जहाँ पे अलगाववादियों का असर देखा जाता है। इनमें खयार, JD बल, लाल चौक, ईदगाह, हजरत बल शामिल है। अभी तक जब भी चुनाव हुए इन इलाकों में पोलिंग परसेंट कम ही रहता है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में श्रीनगर में 37.98% वोट पड़े थे। चुनाव आयोग के मुताबिक यह पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा मतदान था। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पहले चरण में तमाम कोशिशों के बावजूद सिर्फ 61% वोटिंग हुई, जबकि 2014 में इन इलाकों में 66% वोटिंग हुई थी। इसे लेकर भी लोकल राजनीति दल BJP को निशाना बना रहे हैं। दूसरे चरण में ज्यादातर वे इलाके हैं जहां पिछले कुछ दिनों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, इसलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जिन इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है उनमें कश्मीर संभाग के कंगन, गांदरबल, हजरत बल, खानियार, चन्नपोरा, जदी बल, हब्बाक दल, लाल चौक, बिरवा, खान साहब, ईदगाह, सेंट्रल सॉल्टेन, बडगाम, चरार शरीफ और चदूरा सीट शामिल हैं। जम्मू संभाग की गुलाबगढ़ रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी, बुद्धक, थन्ना मंडी, सुनरकोट, पूंछ हवेली और मेंढर सीट पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार के विधानसभा चुनाव में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चुनाव के दौरान कई बार सुरक्षा उल्लंघन की घटनाएं सामने आई हैं। EVM की सुरक्षा को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। CCTV कैमरे सभी मतदान केंद्रों पर लगाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग सुविधाएं होंगी। दूसरे चरण में चुनाव मैदान में नौशेरा विधानसभा सीट से जम्मू कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना और सेंट्रल सॉल्टेन सीट से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के इन चरण में अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राठर, चौधरी जुल्फिकार अली और सैयद मुश्ताक बुखारी भी हैं। सर्जन बरकती UAPA के तहत जेल में हैं। NIA उनके खिलाफ जांच कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वे चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पहले वे जनीपोरा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां का पर्चा खारिज हो गया। अब वे गांदरबल और बिरवाहा से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी बेटी उनके लिए प्रचार कर रही है। दिलचस्प की बात यह है कि बरकती न PDP को निशाना बना रहे हैं जिसने उन पर 2016 में केस दर्ज कराए और न ही BJP को। वे सिर्फ उमर अब्दुल्ला पर हमला बोल रहे हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे इंजीनियर राशिद ने लोकसभा चुनाव में उमर को हराया था वे भी वैसा ही कुछ कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इसके लिए चुनाव आयोग ने 3502 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें से 1056 शहरी मतदान केंद्र और 2446 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं। इस चरण के दौरान श्रीनगर जिले में 93 उम्मीदवार मैदान में हैं।
इसके बाद बड़गाम जिले में 46, राजौरी जिले में 34, पूंछ जिले में 25, गांदरबल जिले में 21 और रियासी जिले में 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में ऐसे कई इलाके हैं जो कश्मीरी पंडितों के गढ़ माने जाते हैं। हालांकि अब घाटी में इन लोगों की संख्या कम बची है, लेकिन हवाक दल में इस बार दिलचस्प लड़ाई है। इस बार यहां से आधा दर्जन कश्मीरी अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी यहां से चुनाव लड़ रही है और अशोक भट्ट पर अपना दाव खेल रही है। दूसरे चरण में 15,500 से अधिक कश्मीरी प्रवासी मतदान जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में बनाए गए 24 विशेष मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं। जम्मू में 14,700 से अधिक कश्मीरी पंडित मतदान पंजीकृत हैं, जो यहां 19 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं श्रीनगर जिले में निर्वाचन क्षेत्र हजरतबल, खानियार, हब्दाकदबल, लाल चौक, चन्नापोरा, जदीबल सेंट्रल, सॉल्टेन और ईदगाह में मतदान होगा, जबकि बड़गाम जिले में कंड, बड़गाम, बीरवा, खान साहिब, चरारे शरीफ, चादुरा और गांदरबल जिले में दो निर्वाचन क्षेत्रों कंगन और गांदरबल में मतदान होगा। जम्मू संभाग में जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें गुलाबगढ़, रियासी, श्री वैष्णो माता मंदिर रियासी जिला, कालाकोट, सुंदरीबन, नौशेरा, राजौरी, बुद्धक, थन्ना मंडी, सुनरकोट, पूंछ हवेली, मेढर शामिल है। देखना होगा कि दूसरे चरण में कितने परसेंट वोटिंग होती है और किन किन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मतदान पेटी में कैद होता है और कौन जीतता है कौन हारता है ये तो 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।